सनातन भट्ट रघुनाथ गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वस्वामी नामाचारिदास ठाकुर की जय, नामक प्रभु की जय, सपा सकल सुंदर की जय, जय श्री श्री बलदेव जगन्नाथ यात्रा जी की जय, जय श्री श्री राधा कृष्ण मोहन गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड मथुरा वृंदावन द्वादशनाथ महावन की जय, सपरी कर्षव राधा मदन मन की जय, राधा गोविंद राधा भरेनाथ जी की जय, राधा रमन जी की जय, राधा दामोदर राधा संसुदा गोकुलानंद कृष्ण सदा की जय, जय जय श्री सिंह अधीर की जय, प्रहलाद महाराज की जम्बरीश महाराज की जय, पूज्य श्री राधा रानी की जय, उज्जवल नियम सभा दामोदर पद की जय, दामोदर पद पालनकारी भक्त मंडली की जय, परम पूज्यपाद मिथिलाभिष्ठ श्री परानित्य श्रीमद भक्ति शिरो सिद्धांत महाराजी शुभ आविर्भाव जनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वर्ष वृंद की जय, स्वेद भक्त मंडली की जय, गुरु आनंदे हरि हरि बोल। बुलाना माई लोग कितना दिखता है माता जी ना माता जी प्लीज काम ही ही इज एस्किंग फॉर यू अच्छा ए इमलीतला ठाकुर जी को चढ़ाया मैंने दिस इज ऑफर्ड टू इन इमलीतला लॉर्ड नेताई गौर इसे खर्चा नहीं करना डोंट यूज इट यू कीप इट एज इट इज हरे कृष्ण अरे कम हियर वन बाय वन प्लीज कम हियर आप लक्ष्मी का वंश है वन बाय वन प्लीज कम टू ऑल द लेडीज ऑल लेडीज प्लीज कम टू प्रभु जी ए जे ये लोग के हाथ में पैसा नहीं देता है ओके लक्ष्मी का वंश है ना इसी लक्ष्मी धन का मालिक है इसलिए ठाकुर जी को पैसा दिया यू आर द प्रोप्राइटर ऑफ लक्ष्मी महाराज वांट्स टू गिव समथिंग यू कीप इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ हरे कम हियर सो इट्स अ ब्लेसिंग ब्लेसिंग डोंट स्पेंड इट Okay, you keep it with you. Come. Come here, sir. Bolo, bolo. It's a special blessing. Come fast. Blessing. Come fast. Special blessing. Come, come, come. Bol dena, kharcha nahi kar. Don't spend it. Keep it always in your wallet. It is not for anything. These are offered. Offered. It's a prasadi, yeah. That's right. Don't spend it, keep it any always in your wallet. Yeah, अरे देना क्या हम क्या दे रहे हैं ठाकुर जी को पैसा है ना Don't spend it. Always keep it in your wallet. This is offered, so not to spend. No spend it, always keep it. This is like prasad from universe. Come here. Sure. It's not looking for luck. No spend it, always keep it. क्या तुमको तो मिल गया ना हाँ Did you get already? In the morning. हाँ हाँ That is the same thing. देखता देखता रंग रंग कितना है दस एक एक देना है और कोई है Anyone else? Everybody got? No, only ladies. Only ladies. Lakshmi.
लक्ष्मी अंक हो गया हो गया ये लव लक्ष्मी का अंश है the part and parcel of Mahalakshmi they are part and parcel of Mahalakshmi आप लोग नारायण का अंश है we are part and parcel of Lord Narayana लक्ष्मी धन का मालिक होता है so they are the keeper of the wealth owner of the wealth ठाकुर जी का आशीर्वाद दिया है so it's the Lord's blessing इनका मिला है you receive yes yeah okay उनका पेश मिली पेश yes yes Oh, did you get in the morning? Yeah. Did you get Lakshmi in the morning? No. Can you come now? Come. Yes. Yeah, you get some very auspicious thing. Iska naam hai na? Chinese? China. Nahi hai, nahi, wahan milega. No, no, no. Wo mart mein milega. Bol dena isko. You will get in our mart. You please come to our mart, you will get. Okay? Special one. Yeah, special mercy. Nandi Gaya Sri Guru Sri Yuta Pada Kamala Sri Guru Nirvashna Vamsham Sri Rupa Sakra Jata ईशदान प्रभावश प्रकाशकाय नमः श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानतार सुकीर्तये सारस्वत गणानन्द संवर्धनाय नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती दिनामिनी शिवा सवा देवी दयिताय प्रभावे कृष्णा संविधान दायिने प्रभवे नमः माधुर जल प्रेमाठ श्रीरूपान भक्तित श्री गौरा Yeah.
Thank you.
Oh.
So Narottam Das Thakur says that my mind is surrounded by Vrindavan from all around. So my mind is in between Vrindavan. Advaita Acharya Mon. It's my strength, Advaita Acharya. Advaita Acharya Bole. Ball. It's my strength, yeah. It's my strength. Ball. उसके बाद में गदाधर मोर कुल नरहरि किला सहायक है ना हाँ अद्वैत आचार्य वो ये अद्वैत आचार्य वो गदाधर कुल वो नरहरि किला सहायक है गदाधर कुल है ना कुल शब्द दिया ना कुल कुल शब्द अर्थ का क्या है लेनी है मतलब जैसे संसार में नियम है ना मैं कौन परिवार में है सेन परिवार में है कोई शर्मा परिवार में है समझ में आएगी कोई बनर्जी परिवार में है इस पर हर देश का अब नाम रख मिल रहे थे तुम्हारे पहले क्या नाम था रामिन हाँ रामिन कामिनी मतलब कुल क्या है कुल ऐसा है नाम कामिनी तो नाम है ना कौन का बकुल के जैसे मात्यास वहाँ अलग नाम होता है चलो सुनो यहाँ समझ गया भारत वर्ष में हर जाति का कुल होता है वंश होता है समझ गए ये बोल देगा इंग्लिश में तो इस प्रकार से वैष्णव जगत में हमारे कुल कुल का कौन कहाँ से कुल आया है गदाधर पंडित का कुल से हम लोग हमारे धारा है समझ गए बात को सो We all come from a lineage. Yes, Kul is a lineage. Basically, it's a my family. Grandfather family line, grandfather dynasty. We call it whatever we call it. Grandfather's father, father. So we're coming down. So our maybe you should have the mic open. Oh, you're hearing it is on. Is it audible? Can you hear it? Maybe not for them. Nobody can you hear. Can you hear? Yes, ah, that's better. Yeah, yeah. Because come I'm closer. So, what Maharaj is telling in this? एक माइक दे दे थोड़ा सा. वो हरा गया. Lost. हरा गया. है ना? हाँ. Is it right? हरा गया. हाँ. Correct. So we come from. Everyone will come from a father, we have a grandfather, the grandfather's father, so there is a lineage over there, it's a dynasty or it's a lineage over there. So when we are Vaishnavas, where we are in this particular parampara, or in this particular sect, we come from the root which is Gadadhar, the Kula, the lineage of Gadadhar. So that's what Narottam Das Thakur is speaking over here. We are not speaking of any of my mortal father or any other countries, and nothing about it. It's simple, Gadadhar is my kul, Narottam Das Thakur says. English mein hai sir? Hai Maharaj, it's English boita. English boita. Ji Shankar, chalo kal le ja. I have English translation maybe in there. Should I check?
Translation. It is there, it's translated. Yeah, it is there. Yeah, okay. Same book. Gautiya Kirti. Same one. Contact with Chiran Maharaj. He doesn't request specs but close view. But light is okay, I'm sure. Hai na Radha Kunda tot rahe? Haan, acha. Radha Kunda tot. Isme nahi hai hamare ko. I'm ditch. Gorango. मिल गया वैसे राधिका चरणों ना पढ़ सकते हैं पढ़ लेगा कौन सा ठीक है पढ़ लो ठीक है राधा कुंड तट कुंज कुटीरा गोवर्धन Gokulam dhira samira vansi vata gokulam dhira samira vrindavan taru lati karani Oh,
अजान लंबित भुजो कनक वदात संकीर्त
కీర్తన కవితరు కమలాయ తక్కువ విశ్వంబర నిజవరు యుగ ధర్మ పాలు బందీ జగద్య కరు కరుణాయ అవతారు హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపీశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తుతి నోమిరద శ్యామ నిరందు వరలోచన వల్లవీ నందన కృష్ణోపాల జశా కదాపి వశనాంచల ఖేన నోత ధన్నాది ధన్న ప్రవని నకితార్థమాని జోగింద్ర దుర్గమ గతి మధుసూదనోపి తస్యా నమస్తి విశ్వానోపి बनना तो पहले ही कर दिया था। चलो अस्मादियो श्री गुरुपाद पद्म भगवानी रिन्न प्रकाश स्वरूप संबंध गणपतता ओम विष्णुपाणि तलाभिष्ट परमहंसस्तुत्रस्त श्रीमद् भक्तिदयित माधव श्री चरण कमली सस्तम के प्रणाम करते अहित की प्रार्थना करता हूँ। परम पूज्य पाठ मिथिलाभिष्ट श्रीमद भक्ति प्रज्ञान कृष्ण सिंह महाराज मिथिलाभिष्ट वामन देव सिंह महाराज मिथिलाभिष्ट श्रीमद भक्ति दी भक्ति वेदांत नारद देव स्वामी श्री चरण कमले साष्टांग प्रणाम करते हित के ऊपर अर्थना करते विश्व परिण आचार्यवर शिलभक्त सिद्धांत सरस्वती कृष्ण ठाकुर गुरुपादि श्री चरण कमले साष्टांग प्रणाम करते हित के प्रार्थना करता हूँ। मैं उतित जीव हूँ, मेरे कोई योग्यता नहीं है भगवान को गुण कीर्तन करने के लिए। मेरे एकमात्र आराध्य देवता अस्मादेव गुरु वैष्णव का कृपा एकमात्र हमारे अवलंबन है। इसके बीच में आप लोग भी मेरे सौभाग्य को प्रदान किया है इस स्थान में अर्थात कुछ बात हमारे ज्येष्ठ कुलभाता शिक्षक स्वरूप कुछ बात भक्ति वेदांत नारायण देव सिंह महाराज का अहित की कृपा आप लोग हमारे पाथी हैं। आप लोग की सौभाग्य में आशा करता हूँ, आप लोग को आशीर्वाद में प्रार्थना करता हूँ। आप लोग हमारे प्रति प्रसन्न रहिए, आप लोग प्रसन्नता ही मानता हमारे Maharaj is paying obeisances to his spiritual master, Bhaktidaita. Very little louder. Bhaktidaita Maharaj is paying obeisances to his spiritual master, Bhaktidaita Madhav Maharaj, paying obeisances to Pujapad Keshav Maharaj, Pujapad Narayan Maharaj, and to all, and obviously Pujapad Bhaman Maharaj. And also Maharaji is feeling very fortunate because of your good fortune. Maharaji has received a fortune to speak here, and it is the ultimate grace of Pujapad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj that he brought all of you over here. And it is his, and he was also Maharaji's elder god brother. And because of his unlimited mercy that Maharaji has got an opportunity to speak over here, and he is saying that all of you please shower your mercy on him so that he can continue to do spiritual sadhana and bhajan, and also offer some flowers of speech to all of you over here. तो हम लोग कथकल विश्व जगत में एकनिष्ठ प्रभुपाद पाद पथ में समर्पित आत्मा ऋषि महाप्रभु शुद्ध कथा विश्व जगत में जो अवदान दिया है, विश्व जगत को जो दिया है हमारे लिए वरणीय आदरणीय आशीर्वाद जो
परम पूज्य पाणित कलाभ श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी को शुभ तिरुभाव 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 उत्सव हम लोग मनाए। आज जो तिथि है परम पूज्य कलाभ श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत महाराज जी के स्वामी प्राप्त थे, तो मैंने काल तो यह समय नहीं दिया है, कल हमारे कमरा में बैठ के स्वामी महाराज के बारे में कुछ प्रसंग हम लोग आलोचना किया है। मैंने कल कहा था ये किस प्रकार से भक्तिमय ठाकुर का जो शरणागति जो मीरा बाई शुद्धा शादी का अंदर में नहीं है, भजन राज्य में प्रवेश करने के लिए पहले शरणागति कैसे होना चाहिए, इस भक्ति में ठाकुर कीर्तन आदि। परंतु बांग्ला भाषा में होने से सारा विश्व में उस शब्द को स्वयं बोलते थे, उससे इंग्लिश में व्याख्या करते थे। It is we are very fortunate that Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Thakur appeared among us and he spread the message of pure devotion, pure bhakti, shuddha bhakti across every one of us. And in line with that, many other great spiritual masters appeared. And yesterday was the disappearance day of a great spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And yesterday Maharaji could not come here. So he is saying that he's unfortunate he could not come here yesterday, but we had spent very good time in his house, in his room, in Vinodbani Goryamath, and he spoke about the Sharanagati, Bhaktivinoda Thakur's songs and his messages are based first, the basis is on Sharanagati, total surrender of the conditioned souls. Like Surdas, Mirabai, they glorified our Almighty Lord excellently, beautifully. There is unparalleled glorification. But still, for a conditioned soul, if we immediately jump into glorification without surrendering how we surrender from our current platform into an elevated platform, through surrender only we can reach there. That has been amplified or amply glorified and written by Bhaktivinoda Thakur, and that has been sung by our Pujya spiritual master A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in Bengali and immediately translated into English so that across the world people can get this message of surrender. Sarnagati ka main ek kirtan ko vyakhya kar raha hu. Bhaktivinoda Thakur deputy magistrate और जगन्नाथ मंदिर का एडमिनिस्ट्रेटर थे, इतना बड़ा उच्च पद में रहते हुए विश्व जगत में एक परिचय है शरीर का संबंध से, चाहे डिप्टी मजिस्ट्रेट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, है ना, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये शरीर का संबंध से। परंतु हमको आत्मधर्म में वशीभूत होते हुए हमारे परिचय क्या होना चाहिए, भगवान का चरण कैसे निवेदन होना चाहिए, इतना बड़ा उच्च व्यवहारिक जगत में इतना बड़ा उच्च पद में रहते हुए आपने किस प्रकार से स्वरूप का परिचय दे रहा है, इस कीर्तन में हम लोग थोड़ा आलोचना करने के लिए प्रयास करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर was very qualified and he was also holding very high position. He was holding a position of deputy magistrate, which is a very high position, administrative position in Puri Dham, Jagannath Puri in Orissa. And he was also one of the administrative heads of the temple of Jagannath, Lord Jagannath in Puri. But all these were the characteristics or titles of this physical body, he being an administrative head of the
town of Puri or of the temple. But even if he is such a great personality across in this mortal world, the way he presented himself, his soul, his real relationship, his real position, that is presented in this Sankirtan, Kirtan, which Maharaji is going to present to us. व्यवहार जगत में व्यवहारिक जीवन में दो शादी किया तो भक्तिवीर ठाकुर इन दिस वर्ल्ड ही हैड टू वाइव्स एंड मैरिज ट्वाइस टू वाइव्स प्रथम पत्नी से एक संतान का द्वितीय पत्नी भगवती जी ना भगवती भगवती देवी द्वितीय पत्नी उनका तीन संतान एक कन्या था से उसमें द्वितीय है श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद तो व्यवहारिक जगत में देखो दो शादी परंतु भक्ति विनोद ठाकुर साक्षात तिनी अपना के परिचय दिया है कमल मंजरी रूप से और उनका किस प्रकार से देखो कीर्तन में दिवता का सर भगवान के पास शरणागति से निरंतर को निवेदन कर रहा है भक्तिविनोद ठाकुर हैड टू वाइव्स ही मैरिड टू लेडीज द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट वाइफ ही हैड वन चाइल्ड एंड ऑफ द सेकंड हु सेकंड लेडी हु वाज पूज्य माता भगवती देवी and she had from her he had three children three boys and one girl the middle boy was Pujyapad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupad who appeared later on in that name but and also through his message was always very humble even if he was in such a high position he was providing all the messages in a very humble humility with full of humility and his name was Kamal Manjari so from that level we'll get into the next level what is that humility part he is providing amara jivan sada papi rato nahi kapur nilesh mere jivan je hai sada paap karma mein rato hai koi punya ka lesh matra nahi परेर उद्वेग दिया छी जे कतो दिया छी दिव्य क्लेश मैंने कितना अधिक उद्वेग दिया है परेर दिया छी जे कतो कितना मैंने जीव को उद्वेग क्लेश दिया है निज सुख लागी पापे नहीं डरी दयाहीन सार्थ पर इस प्रकार से पर को उद्वेग क्लेश देते हुए मैं किसी को सुख नहीं दिया इतना पाप मेरे जीवन में किया है और मैंने इसमें किया है मैं सार्थक पर अपना सार्थक के लिए दूसरा को क्लेश देता हूँ और क्लेश से पाप को कमा लेता हूँ भक्तिवेद ठाकुर राइट्स और सेज ओवर हियर दैट हिज लाइफ इज फुल ऑफ सिनफुल एक्टिविटीज ही हैज नॉट डन एनी गुड एनीवेयर He doesn't see any, he has done any good anywhere. And throughout his life, he has, for his selfish interest, he has troubled others. And he took benefit out of that. So he doesn't see that he has done any good to anybody in this world, anytime. So that's the way his humility, possibly that's the truth for all of us, if we go deep in our heart, we are selfish so that's the message which is coming para sukhi dukhi sada mitta vasi para dukkha sukha kar par ka sukh para sukhe dukhi dusre ka sukh dekhne se mere hinsa hota hai are para sukhi hai aur sarvada ni jhoot bolta rehta hu dusre ka dukh dekhne aur dusre ka dukh dekhte are ye to badhiya बहुत दुख मिल रहा है मेरे सुख मिल रहा है अशेष कामना हिदी माचे मोर कभी दम्भ परायण मेरे अंदर में बहुत कामना गज गज कर रहे भरा हुआ है
আর আমি অত্যন্ত ক্রোধী দাম্ভিক। That Bhaktivinoda Thakur says that I feel very happy if others are feeling getting trouble, and if others are doing good, I feel very jealous. I feel pain in my heart. So he is speaking his heart out, the heart out of a soul. And what is the line that he chala Maharaj? Krodhi dambha paraya. Which one? Paradukha dukha. Yes, I am full of desires. Unlimited desires are there in my mind. Unlimited desires. Full of desires. I'm a person full of desires. Mortal desires. Madhavatta sada visahe mahita hinsa garga vibhusha. Me madhavatta hai. Visahe kat visahe bhagu mahita. Mere andar mein hinsa garv hai. Garv ka vibhusha hai, alankar hai. The jealousy is my part and parcel of my life. I'm a very jealous person. Always I'm jealous of anything and everything around me. If something is not happening good for me, I'm jealous. I'm always, if I see anything, material things, my desire increases by seeing that. Forget about releasing material desires. By seeing material things, my desire increases. It is a vishaya mohito, the word. Vishaya bhagme pramatte. Nidya lasya ata sukhatya virata akatya uttaki ami. Pratishya lagya sattva charan nabhoyata sadakami. Nidinda sorayta. Sukhatya se me अच्छा काम करने की इच्छा नहीं है, जो अच्छा काम नहीं इस काम करने के लिए उद्योगी हूँ। प्रतिष्ठा के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। लोभ हो तो सदा कामी, लोभ में बस उद्योग के काम में उन्मत्त रहता। I am full of laziness and any good work, which is called good work in this life, I never like to do any good work. Lazy person do not like to do good work. And whatever I am always very agile, willing to do, are all bad works. So that's the epitome, that's the picture of my life. I am very much desirous of fame. Pratishtha. I like fame. Externally we don't like, but internally yes, the fame. Yeah. Means I'm full of lie. Anything which I'm doing, I'm full of lie. Truthfulness is not there in my life. And I'm very greedy person. Greedy, always greedy for this material. इस प्रकार से मेरी बातों का अवस्था है, मेरे उपाय नहीं है, मैं अकिंचन हूँ। भक्ति बिना प्रभु का चरण नहीं करे तो खाली बताओ। इस प्रकार से बातों का अवस्था नहीं, उपाय नहीं होते हुए माँ भक्ति बिना ठाकुर महाप्रभु चरण में राधा कृष्ण की बात बात में अपना हृदय का दुख निवेदन करना है। Bhaktivinoda Thakur says, now with all these great qualities of mine, jealousy, greed, selfishness, now I have reached the old age. Now I don't know what to do. So now I am surrendering to Radha Krishna, Prabhu Charan, to the lotus feet of the Lord. And I'm surrendering that throughout my life I have done all this excellent negative qualities. I'm not surrendering with that. I don't know. Bhajan Raja me sarnagati kirtan karte apne vichar karke chalna chahiye mere jeevan mein kya hai. Aaj jo hai Maharaj ji ka charan mein, Sankh Maharaj ji ke bare mein
एक बहुत बड़ा वस्तु विश्व जगत में अवदान दिया है. सो इन दिस वे थ्रू दिस सॉन्ग वी ऑल आवरसेल्फ मस्ट सी आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ दिस सॉन्ग्स ऑफ शरणागति सरेंडर वेयर वी आर एट दिस पॉइंट whether we are really in the right path. And Swami Maharaj has also propagated the same message to all of us across the world, the same message of Saranagati, surrender. Sabse bada vastu diya hai daiva varnasam. Ye bhakti siddhanta saraswati goswami thakur ye vastu समस्त विश्व का समस्त देश के लिए ये महान अवदान है. दैव वर्णाश्रम मतलब वर्ण आश्रम धर्म को दैव वृत्ति जो है. अतः संसार में जो वर्ण आश्रम धर्म चल रहे उसके ऊपर हाथ नहीं लगाया, छिड़ा नहीं भक्ति प्रभुपाद का दैव वर्णाश्रम का विचार को हम लोग अच्छी तरह से समझना चाहिए, नहीं तो भजन राज्य बहुत भिन्न आ जाएगा, असुविधा. प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ही हैज नॉट टच्ड दी वर्णाश्रम धर्म दी फोर वर्णस which you follow in the normal mortal material world. But he has given a Daiva Varnashram, which is a spiritual system of living. And unless and until we understand that particular system, it will be difficult for us to go forward in the spiritual path provided to us by Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. So that's what Maharaji will be explaining. Vishnu, kitna bada vastu ko bhitar pariskar karay diya. Nadav archayat, nadeva archayat. A ved ka mantra hai. Devatai Shri Hari ko archan kar sakta hai mandir mein jaake. जब तक देवोश्वरी नहीं होता है उसका अर्चन नहीं, पूजा नहीं कर सकता. समझ में ना देव अर्चित. ओके, सो देयर इज अ वर्स, संस्कृत वर्स, ना देव अर्चयति, व्हिच मींस अनलेस एंड अंटिल वी आर डेमी गॉड्स, देवता, वी कैन नॉट डू द डीटी वर्शिप. So, or unless and until we become as pure as a demigod, we are not eligible for deity worship. Ramanu Sampradaya, Madhyacharya, Nimbadita, Vishnu Sampradaya mein. Mandir mein ek matra Brahman hi ja sakta hai. Ye Brahman kulat hota hai na, usi ka hi pravesh kar. उसी पूजा के मंदिर में पूजा कर सकता है. चार ही संप्रदाय में किसी वर्ण न क्षत्रिय न वैश्य, शूद्र तो है ही नहीं, शूद्र का तो प्रवेश नहीं है. ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय भी मंदिर में नहीं जा सकता है. अंत जो तो अलग ही बात है. जैसे भारतवर्ष छोड़ के वर्णाश्रम धर्म तो है ही नहीं. चार संप्रदाय में एकमात्र ब्राह्मण कुल तत्व को चार ही संप्रदाय आचार्य उनको दीक्षा देते हुए, ब्राह्मणत्व देते हुए उनको अर्चन में अधिकार देता है. इन द फोर सेक्ट्स, बहुत ध्यान से चिंतन करना है इसका. इन द फोर सेक्ट्स मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी एंड रामानुजाचार्य, other than Brahmins, the other three varnas are not allowed to do deity worship, only Brahmins. Now, during initiation, that
they provide that that you are now a Brahmin, then only they are allowed to become deity worship. Forgetting about Vaishya, Sudras, they do not have any authority. Sudras, they cannot enter itself. So it is only Brahmins who are allowed to do deity worship in these four sects. Sampradayas. Yeah. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Kitna varsh adhikar de gaya. Antarya jati tak. उनको भी जब तक जीनू नहीं होता है ना, संस्कार नहीं होता है ना, संस्थ ऐसे शूद्र को भी शूद्र तो वर्णाश्रम में है, अंत जो जिस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म जिस देश में नहीं, उसको भी ब्राह्मणत्व अधिकार दिया है. ब्राह्मण बना दिया, शूद्र क्षत्रिय को तो जिन्हू नहीं होता है ना, उसका ब्राह्मणत्व बना करके देव ब्राह्मणी एकमात्र सात्विक जीवन है, देव शरीर होता है, उनका भी मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दे दिया है ना. समझ में आया क्या? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, व्हाट the great change which he has brought over here, that irrespective of the varnas, Vaishya, Sudra, Kshatriya or even Brahmin, he created a process, a system by which there will be sanskar, purification process, when this Upanayan we will receive the sacred thread, that by this purification process, once it is done, that from any soul, from any particular varnas, will be given, purified as a Brahmin. Brahmin are equivalent to demigods, as they will also be able to, hence they will also be able to do deity worship. Which means it is now no more just as per the material caste system, the Brahmins who are allowed to do deity worship, but through Prabhupada's, Prabhupada's system, any soul who will be purified by the spiritual master will now be allowed to go for deity worship. So Swami Maharaj is still aage badhaye the, hai na? Pehle Prabhupada ka samay mein ek matra jo purush jati hai, ladka hai, unke swastha karke mandir mein pravesh karke अधिकार दिया है. तो गोपी कौन सा, गोपी लोग कौन सा उनका संस्कार था, उसको जीने संस्कार दिया है किसने? अंत भजन नंदन को सेवा दिया है, कृष्ण सेवा करते थे गोपी लोग. तो इसी प्रकार से स्वामी महाराज भी देखो, इससे जाति को भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए मना नहीं किया. मैंने आंखों में देखा दिल्ली मठ में, इससे जाति वो भी जाके ठाकुर जी को माला पहनाते थे, ठाकुर जी को पोशाक, अरे पूजा सालक ग्रंथ तो गिरिराज का पूजा करते हैं, गिरिराज के पूजा के नीचे माना नहीं, मतलब सालक ग्रंथ पूजा एकमात्र ब्राह्मण छोड़ के नहीं होता है. तो गिरिराज जी को आप घर में रखो, पूजा करो, भोग लगाओ, मंदिर में जाओ. मैंने मंदिर में खुद दिल्ली में देखा है ना, उसके पत्नी है, भाई तो पत्नी है, वो जाके ठाकुर जी को माला बना रहे, पोशाक बदल कर रहे, नया पोशाक लगा रहे. तो सबको इस प्रकार से स्वामी महाराज आप लोग को जिस प्रकार से अंतर्ज होते हुए ठाकुर जी को आप लोग कितना ऊंचा में उठा कर दिए, कितना बड़ा वस्तु अधिकार दिया गया स्वामी महाराज, आप कल्पना कर सकता है. इसलिए स्वामी महाराज के पास समस्त विश्व ऋणी है, सबको अधिकार दिया है, ठाकुर जी को सेवा करो, कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा करने के लिए खुली मन से अधिकार दिया है.
यही एकमात्र दैव बनना संपत्ति है. सो स्वामी महाराज has gone even ahead, farther than what Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada has done. So what Swami Maharaj has done is that Prabhupada has ensured that it is only male who will be having the eligibility for deity worship. But for Swami Maharaj has done what Maharaj says. He has seen in Delhi there woman, married woman, who were allowed to do deity worship, change the dress of the deities or put garlands on the deity, which was not there at the time of Prabhupada. And all of you over here who have come from foreign country where the caste system is not so well maintained, which is called Antajam, which is a mixed breed, we call it mixture of castes. Even for them, they were not allowed in any in India, they were not allowed, if there's a mixed caste, they were not allowed to get into any deity worship. It is pure Brahmin only they were allowed. But Swami Maharaj, what he has brought through his messages, he has brought all the people over here, and including the women, the ladies, the Matajis, they all have got the mercy to go for deity worship, Krishna's worship. And the reason Maharaj is telling, gopis, they were ladies. And what kind of purification process they followed? No, they did Krishna's service. So, keeping an analogy with that right now, we are obviously not that elevated level. We are normal conditioned souls. But it is the mercy of the spiritual master, Swami Maharaj. He has brought the whole community, male, female, everyone of every caste, every soul, go for deity worship. So that is the whole world and universe should be indebted to Swami Maharaj. And especially all of us over here has to be thoroughly indebted to Swami Maharaj for this special privilege which he has given to us. Daivi Varnashram. This is called Daivi Varnashram. So this is the special Varnashram. It is not challenging the normal Varnashram system, but this is a special Varnashram called Daivi. I mean, the spiritual Varnashram system, we can call it. One more thing he has given us. विवाह संस्कार मैरिज क्रिश्चियन मुसलमान पारसी बौद्ध ये कलि युग में धर्म है. पहले नहीं था सत्य तथा द्वापर में धर्म नहीं. इसका अभी मतलब सृष्टि नहीं हुआ इसे कलि युग के. परंतु इसमें जो विवाह पद्धति जो है संस्कार जो है ये बिल्कुल गलत है. क्रिश्चियन में कैसे होता है मालूम नहीं है. मुसलमान ने ऐसे ही ले आया कोई शादी पर मामला मुसलमान का मस्जिद में ले गया हो गया शादी. इस प्रकार से शादी नहीं होता है. मैरिज जो है एकमात्र ऋषि मुनि का प्रणीत वैदिक संस्कार होता है. देखा होगा शादी में वैदिक संस्कार होना चाहिए. उसके योग्य होता है. मैंने स्वामी महाराज खुद योग्य करते थे. योग्य करा करके भारतीय सनातन धर्म का जो वैदिक संस्कार रूपी जो शादी है उस सात फेर लगाना चाहिए. सात फेर होता है ना. सेवन टाइम्स यू हैव टू सर्कल आउट. पति क्या करेगा अपना सिंदूर लेके. सिंदूर को क्या बोलता है फाग. वर्मिलन. हाँ उसको पत्नी को वर्मिलन इसमें लगा देगा. सीति में लगा देगा. शाखा बना देगा. चूड़ी शाखा होता है
शंख है ना, शंख काट करके चूड़ी लगा देता है, तो वो सफेद कपड़ नहीं पहन सकता है। सफेद कपड़ा तो कौन पहनता है, जो विधवा होता है, पति जिसको चला जाता है, हैं? सफेद कपड़ ये लोग नहीं पहन सकते है, इसका माना है पति प्रति स्त्री को सफेद कपड़ पहनना नहीं, जैसे माता ही सफेद कपड़ पहना हुआ है ना, नहीं पहन सकता है, उसको मना है सफेद कपड़ पहनने की। तो ये जो एक वैदिक संस्कार रूपी विवाह पद्धति आज देखो कितना सुंदर लगता है, ऐसे पत्नी विवाह कर लिया, सिंदूर लगाते हैं, सिर लगाते हैं, शंख पहनते, कपड़ा पहनता है, साड़ी पहनता है, तो कितना सुंदर लगता है, देखो व्यवहार जीवन कितना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है इसमें देखने के लिए। ये जो संस्कार सारा विश्व में किसने दिया, किसका बदान है, पूज्य बात भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। और विचार करें इस प्रकार से विधि पूर्वक मनुष्य जाति ना पशु पक्षी कीट पतंग अवैध भाव से संतान उत्पादन देता है, उनको जैसे एक एक गैया है, उसमें कितना गए सार उसके पीछे फिर जाते, भोग करते, संतान होता है, किंतु मनुष्य के लिए एक मात्र माना है। मनुष्य इस प्रकार से संतान जन्म देने का अधिकार नहीं, उनको विवाह करके विधि पूर्वक वैदिक संस्कार के द्वारा विधि पूर्वक विवाह करके उनको संतान उत्पादन देने के लिए अधिकार होता है। अत्यंत ये शुक्र परंपरा होता है, शुक्र परंपरा मतलब गुरु को कान से शिष्य को मंत्र सुनाते, उसका नाम शुक्र परंपरा है। शुक्र परंपरा मतलब पोती का बीज को गर्भ में धारण करके संतान देना चाहिए, पोती शब्द विवाह कर भी विवाह करके एक पोती को, दस पुरुष से नहीं, एक पोती से शुक्र को धारण करके संतान उत्पादन देने के लिए विधि जो है ये वैदिक नियम है, ये वैदिक संस्कार है। तो इस संस्कार को सारा विश्व में श्री स्वामी महाराज कितना बड़ा अवदान है, और ये शुक्र परंपरा इसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप विवाह कर लिया, आपको संतान हुआ, फिर उस संतान को शादी देना चाहिए, फिर उसका परंपरा हो रहा कि नहीं, समझ में आता है? जैसे आप गुरु धारण कर लिया, नान महाराज, तो नान महाराज का शिष्य होता है माधव महाराज, उन आचार्य हो रहा है, वो शिष्य कर रहा है, ये परंपरा है। इसी प्रकार से अनुसंतान 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 ये परंपरा को बजाय रखने के लिए ये वैदिक नीति है, वैदिक संस्कार है। इस प्रकार वस्तु को सारा विश्व में ये महान अवधान रूप से स्वामी महाराज जगत को देंगे। Swami Maharaj has given one more very important gift to this whole world or universe. What is that? That marriage. Marriage is a very, very sacred and very, very special process, because especially human marriage, because marriage is only available in human yoni, we call it species. In any other species, there is no rule for union and creating progeny. One particular cow can be herded by many bulls, but human species must follow a very proper, purified Vedic system of marriage. Especially in Kali Yuga, it is not known in other religions like Christianity or Islam or Buddhism. Such religions were not known in the earlier yugas before Kali Yuga. So, especially in Kali Yuga, what we see is that the process for marriage is not that very rigid as it is in Vedic system. In Vedic system, the process is you put a yagna fire, and in the fire you really call the demigods over there at that point of time. And very special priests will be there, will ensure that everything is in order as per the Vedic process, the Vedic system of marriage, not the local system, the Vedic system of marriage. And there will be seven times circumambulation as per process.
and the lady will be given vermilion on the head and with a white bangle, which comes from Shankar, I don't know. Conch shell, yeah. On the conch shell, we make bangles, and that will be there in the hand. And after that Vedic marriage happens, the lady will be legal, as per the Vedic system, will be able to carry the progeny of that particular single person to whom she is married to. Now this is called the Shukra Parampara, or the system of progeny, whatever we call it in English. And there is a Shruti Parampara also, which generally, like, you are a devotee, you are disciple of Pujyapad Narayan Maharaj, and after Narayan Maharaj, now Madhav Maharaj is a senior disciple who is now becoming a guru, and again disciples are coming. So it's a disciplic succession, Shruti Parampara, mantra through the years. And that is a Shukra Parampara. Now that is a valid system in the Vedic model, that we just not meet any man, any woman, and then we create children, and that's the very illegal. It might be legalized, getting a national identity number, all those things, nationally legal, but in a Vedic way, that's an illegal model. The legal model is here, it has to be in the Vedic model, marriage, and then the child will come, and the child will again be married to another lady, again in the same model. And then this progeny will move, then this will be accepted in the universal system. So that is again Swami Maharaj's greatest gift. He has given this system of marriage across the world. So now it is not just India or Hindus, it is everyone who is coming into this fold is following the same model of marriage system and the Shukra Parampara as well, as long as it is going. इसलिए विवाह करके पत्नी को त्याग करना या पत्नी पति को त्याग करना ये शास्त्र का विधि नहीं है. नियम पूर्वक मृत्यु से मौत पर्यंत परस्पर मिलके संसार धर्म पालन करना चाहिए. ये महाराज जी को विचार है. The very important thing is that after marriage, means divorce or talaq, whatever in Muslim they call it, that this is absolutely illegal model. This is not accepted in Vedic system. If you are married, you are unto death. I didn't get it? Vanaprastha. Yeah. But not again marrying. No marriage again. I mean, you can go to Vanaprastha, that's okay. I mean, but you continue to remain as the husband or a wife of someone, even if you are in Vanaprastha at that point of time. So, you means legality is there in the system also, Vanaprastha. That is, some king and queen are there. Vanaprastha matlab, apna putra jaise pehle tha, putra ka upar samsar ka samasta daitya arpan karte hue, pati patni dono, pehle van mein ja, van mein choti tha Vrindavan, tha humne dono aaja. आके भजन करो, इसी का नाम वानप्रस्थ होता है. So, vanaprastha meaning is that after a certain age, the husband and wife will misdelegate all the responsibility to the next generation, and they will move to the forest in earlier days. Nowadays, it is not forest. You can come to the dham, the pilgrimage place like Vrindavan, and stay there. Both husband and wife can stay there separately as vanaprastha and do their spiritual practice. So the model is very, very clear and very intact if we also follow even today. इसलिए मैं पूज्यपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के चरण में साष्टांग प्रणाम करती हूँ, हित के प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ. आज समस्त विश्ववासी धन धन है, एक वैदिक संस्कार का द्वारा अपना भजन करने के लिए प्रयास कर रहा है. हम लोग उनके पास ऋणी हो, हम लोग उनको इस विषय में सबका आदर देना चाहिए. उनको आदेश आदर देते हुए उनको पद पद में हमारे समर्पित आत्माते हुए भजन राज्य में आगे चलना चाहिए. So paying obeisances to Swami Maharaj, that for his great gift to this whole humanity, whole society, whole universe,
So all of us, let us pay obeisance to him so that his mercy be showered on us and we move forward in your spiritual practice in the way they want us to. Manchal Vasindhu Bhaye Vajipati Dhanam Pavani
टू पीस खूब ठंडा हो गया बीमार है बुखार है सबको I mean, even though his disciples are completely unable to follow him. Please come and take prasadam, devotees. They could not follow. He told them never, only when they're accepted perfectly, 10%. They all broke the rule. But at least he made the standard. He said something like, Jai Mahal, Jai Mahal, Jai Mahal, Jai Mahal, Jai Mahal.